सो लास्ट क्लास में ये हमारा टेबल हुआ था कंप्लीट। आज की डेट में हम इसके अंदर मैटर कॉल करेंगे, ठीक है। आधे घंटे बाद ही करें फिर, क्योंकि अभी क्लास अच्छा अभी क्लास लिया अभी। हाँ फिर क्लास के बाद बता देंगे, ठीक है। चलो नहीं चल रहा तो फिर एक काम करो, यहाँ से ऑनलाइन फोटोशॉप चला दो। photopea.com ठीक है। तो ये अपना इस तरह से मैटर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ये टेक्स्ट हमने कॉपी किया यहाँ से, अभी टेक्स्ट हमें कहाँ लिखना है, जहाँ पर इंडेक्स अंडरस्कोर 10 वाली ग्राफिक डली, देखो 10 नंबर, तो यहाँ से इसमें इसको आप डिलीट करोगे, यहाँ पर ये मैटर कॉल कर दूंगे। कंट्रोल एस करेंगे इसको और इस फाइल को ब्राउजर में रन करेंगे, ठीक है। तो ये अपना मैटर यहाँ पर कॉल हो गया। अब जहाँ पर हमने मैटर कॉल किया वहाँ का बीजी कलर आपने चेंज कर लेना है, तो आईड्रॉपर टूल की हेल्प से कलर कोड कॉपी, इसी तरह से आपको इंडेक्स अंडरस्कोर 12 का भी कलर चेंज करना रहेगा। तो दोनों एरिया का हमने कलर चेंज कर लिया इस तरह से। इसके बाद हमने लास्ट क्लास में फॉन्ट साइज यहाँ से ना जीरो किया था, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा ये टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो मेरा टेक्स्ट दिखना स्टार्ट हो गया फिर से, ये वाली चीज़। तो फिलहाल मैं अभी के लिए डॉक टाइप को हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें अच्छे से। तो ये देखो बढ़िया से आ गया हमारा मैटर। अब यहाँ पर हमें और टेक्स्ट कॉल करना था, पहले एक को सेट कर लो फिर उसकी कॉपी दूसरे में चली जाएगी, है ना, क्योंकि दोनों के अंदर सेम ही मैटर लिखा है, कोई चेंज नहीं है, है ना। तो क्या कर सकते हैं, पहली लाइन को हमें बोल्ड करना है, तो बोल्ड के लिए हम लोग कौन सा टैग यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग लिखे। फिर यहाँ पर हमें बी आर लगाना है, और ज़रा ब्राउज़र में जाके चेक करके देखो, रिफ्रेश करके क्या वैसे हुआ कि नहीं हुआ, हो गया यहाँ तक।
अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फ्रंट साइज को हैंडल करना है। तो फ्रंट साइज को हैंडल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से लिख देंगे फॉन्ट साइज 10 px, सेट हो गया। और फॉन्ट क्या रखना है, क्या लिख देंगे, फॉन्ट फैमिली टोमा, सेम ऐसे बन गया। वर्टिकली कहाँ चाहिए हमें, टॉप में, तो क्या लिखेंगे, वी अलाइन टॉप। टॉप में आ गया, एक गैप देख लो कहाँ कहाँ पर आएगा। फर्स्ट लाइन का 2 br है, तो यहाँ पर जाके 2 times लगाना, मैच हो गया। ये मोर वाला लिंक में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए जब ये पार्ट पूरा हो जाए तो यहाँ से इस एंटायर पार्ट को कॉपी, दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसका वर्टिकल अलाइनमेंट हमें टॉप करना है, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब एक तो हुआ CSS का मेथड, एक मिनट दीजिए, एक तो हुआ कि CSS से हमने ये पार्ट अचीव किया, बट अभी तो हमारा CSS स्टार्ट हुआ नहीं है, तो मैन्युअली कैसे हो ये वाला पार्ट। तो ये हमारा फॉन्ट सब खराब हो जाता है इस तरह से, तो इसका एक तरीका है हैंडल करने का, हम बिल्कुल HTML से ही हैंडल करेंगे। यहाँ जाइए, यहाँ पर आपने यूज़ करना है फॉन्ट टैग, सिखाया था ना टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर। और यहाँ जाकर आप क्या लिखेंगे, फ्रंट में फेस, फॉन्ट साइज 10, देखो सेट हो गया पहला ना, हमें दूसरों करना है यही सेम टैग कॉपी, सेम आउटपुट आ गया। कोई CSS यूज नहीं कर रहे हम लोग, टोटल प्योर HTML चल रहा है, ठीक है। जो हम लोग कर रहे हैं, डिस्कंटिन्यू थोड़ी ना हुआ, हम लोग कोई चीज़ यूज नहीं कर रहे जो डेप्रिकेट हो गई है। नेक्स्ट हमें फुटर में टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ से अपना इन्फॉर्मेशन कॉपी करिए, इस एरिया में आपने लिखना है, यहाँ लिखेंगे वी अलाइन टॉप, और यहाँ पर अपना मैसेज कॉल कर दीजिए, फिर कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन, तो कॉपीराइट के सिंबल के लिए क्या लिखते हैं, M% कॉपी, और ये पार्ट में 2 br रहा है। तो जब ब्राउजर रिफ्रेश करेंगे देखो नीचे वाइट हो जाएगा, तो बीजे कलर डाल देंगे,
अब हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। क्या लिखेंगे? कलर बन गया ना पार्ट। तो इस तरह से आपका मैटर कॉल होगा इसके अंदर, ठीक है। जो गैपिंग का इशू आ रहा है वो मैं जब सीएसएस सिखा दूंगा तब वाली प्रॉब्लम की सॉल्व हो जाएगी। तो डॉट टाइप एचटीएमएल लिखने पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। तो समझा कैसे बना है एरिया? तो और बेटर टेबल को अगर अंडरस्टैंड करना है तो आपको एक टेम्पलेट और ट्राई करना चाहिए इसके अंदर। तो जैसे एग्जांपल के लिए क्रिएटिव स्टूडियो टेम्पलेट, ठीक है। तो जैसे ये एक डिज़ाइन हम लोग यहाँ देख रहे हैं, तो इस टेम्पलेट की विड्थ और हाइट कितनी है? तो हम लोग इमेज जाके इमेज साइज कितना है, 1600x1340 पिक्सल का टेम्पलेट है। तो अगर हम लोग ऐसा टेम्पलेट बना रहे हैं तो चलो ठीक है, बट अब यहाँ तक इतना बना लोगे साइडें खाली जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना देखने में, तो हमें फुल विड्थ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप क्या करें, सबसे पहले तो अपने इस टेम्पलेट की कॉपी बना लें क्रिएटिव स्टूडियो टेम्पलेट के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के नाम से। इसके बाद क्या करने की ज़रूरत है हमें इसमें, एक टेबल रखेंगे जिसकी विड्थ होगी 100%, हाइट 1340 पिक्सल, अलाइनमेंट का कोई काम नहीं है, सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग 0 रखिएगा, हाइट का कोई काम नहीं है, अभी कॉल स्पिन का कोई काम नहीं है, और यहां तक लिख देंगे M% NBSP। और अपने इस टेम्पलेट को आप ओपन कर लें इस तरह से। अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो देखिए आप क्या है, तो ये कलर हम लोग क्या लिख देंगे टेबल लगा के, बीजी कलर अलॉन्ग विद हैश ये यहाँ पर पेस्ट करेंगे। कलर चेंज हुआ? yes. तो जैसे कलर चेंज हुआ आप देख सकते हो यहाँ पर हम जगह छोड़ रहे, तो स्पेस खत्म करना सिखा दिया था मैंने? नहीं, कैसे सिखाया था? बिना उसके कैसे करें? ऐसे कुछ कराया अभी तक नहीं। तो इसको लिखो बॉडी में जाके लेफ्ट मार्जिन 0, लेफ्ट का गैप खत्म हो गया, ऐसे टॉप मार्जिन 0, टॉप से भी गैप खत्म हो गया, ऐसे आपको राइट से भी लिखना पड़ेगा। वैसे लेफ्ट लिखने से राइट भी ऑटोमेटिक हो जाता है, बट आपको लिखना है एंड बॉटम मार्क्स। अब आप पेज को स्क्रॉल करके देखो, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर कोई गैप तो नहीं आ रहा ना एकदम फुल स्क्रीन एच टू एच। तो ये अपना इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा।
तो सबसे पहला जो पार्ट हमारा डिज़ाइन के अंदर दिखाई दे रहा है वो है ब्लैक कलर का एक माइक्रोवार टॉप में भी दिखाई दे रहा है, दिख रहे हैं आप? इंफॉर्मेशन पैनल हाइट कितना है? 70. तो आप यहाँ जाके इस टीडी के अंदर एक नेस्टेड टेबल बनाओगे जिसकी हाइट होगी सिर्फ 17 पिक्सल और बीजी कलर क्या होगा? ब्लैक. जरा चेक करो वेब ब्राउजर में रिफ्रेश करके क्या ब्लैक कलर का बना, पर ये नीचे आ रहा है तो वी अलाइन टॉप. तो कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर. ठीक, इसके बाद वाला एरिया बनाएंगे फिर से टेबल की कॉपी पेस्ट. अब ये जो डिज़ाइन वाला एरिया है हमारा, टॉप फ्लोर, हाँ जी. तो ये मिडिल वाले एरिया हमें डिज़ाइन करना है. तो इसकी विड्थ कितनी है? इन्फॉर्मेशन जाकर देखिए, 960 पिक्सल्स. तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 900. हाइट कितनी है? 100 पिक्सल. बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं आएगा, इसको हटा दिया. तो फिलहाल ये हमें दिखाई दे तो बॉर्डर डाल देना, क्योंकि बाद में आपने हटा देना है. ठीक है, और ये सेंटर में होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अलाइन सेंटर. बन गया टेबल. अब इस टेबल में हम देख रहे हैं यहाँ पर दो चीज़ें, एक तरफ लोगो है, एक तरफ ये कुछ मैटर लिखा हुआ है इस तरह से, है ना? तो लेफ्ट तरफ में तो हमें लोगो डालना है. लोगो की विड्थ कितनी है? इन्फॉर्मेशन का भी पता कर लो. विड्थ आ रही है 183 पिक्सल्स. ठीक है, तो फटाफट से दो कॉलम खींचोगे, है ना? इसकी विड्थ हो गई 183. टोटल विड्थ कितनी है? लेस कर दो, कितना आ गया? 777. जरा चेक करके देखो. ठीक है, अब हमें यहाँ पर इस वाले पार्ट में एक तो लोगों की इमेज कॉल करनी है. तो यहाँ से हम अपना लोगो कॉल करा लेंगे इसके अंदर. तो लोगो कॉल कराने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पर देख रहे थे ग्राफिक, तो हमारे पास शायद हो सकता है ऑलरेडी सेव भी पड़े, तो टाइम बचाएंगे. बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं. डेस्कटॉप फिक्स कॉपी. यहाँ पर अपना
हेडर लोगों के नाम से ग्राफिक्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे IMGSRC फोल्डर नेम इज इमेजेस स्लैश हेडर लोगो डॉट png कर देता हूँ सर। और यहाँ पर लिखेंगे ELT फॉर अल्टरनेट टेक्स्ट। अभी जब अपन ब्राउजर में रिफ्रेश करेंगे ना तो यहाँ पर अपना लोगो कॉल हो जाएगा सर। नेक्स्ट यहाँ पर हमें एक लिंक कॉल करना है, AHREF एनीथिंग लाइक मेल टू, और जो भी वो ईमेल आए वो आप यहाँ आकर टाइप कर दें, जैसे info@creativestudio.com। ब्राउज़र में करेंगे रिफ्रेश, तो देखो ईमेल आईडी यहाँ पर आ गया। इसी तरह से मैं बाकी की चीज़ें कॉल करनी तो ला कर इसमें कॉल कर दूँगा। तो ये हमें राइट में चाहिए तो यहाँ जाकर हम लिखेंगे अलाइन राइट। इसके बाद हमें इसमें बटन्स बनाने हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो कितना बिट आ गया 129.5। हम यहाँ पर एक और रो बना लेते हैं, हमें दो को मर्ज करके करना है। कुछ कहता रोज पेन ऊपर डाल दो, इसको डिलीट कर दें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, है ना। अब जो नीचे वाला हमारा पार्ट बचता है इसमें हम लोग वो अपने बटन्स डिफाइन कर लेंगे। बॉर्डर फॉर टेस्टिंग पर्पसेस ओनली, बन गए हमारे। अब इन सब में अपने मैटर को कॉल करना है, तो यहाँ जाए
तो यहाँ से कट करेंगे, ये आ गया अपना होम। अलाइनमेंट क्या रखना है, राइट right. ठीक है, अगर हम बॉर्डर को जीरो कर देंगे तो हम लोग वो सेम गैप अचीव कर लेंगे, नहीं समझ आया? तो अगर हमें टेबल से बनाने के लिए दिया जाए तो ऐसा नहीं कि बनेगा, नहीं बन सकता, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब पूरा बन जाए तो मेन बॉर्डर पूरा ऊपर गया प्लेन। अब इसको हमें यहाँ से फॉन्ट टैग डाल के हैंडल करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप यहाँ पर एक तरह से होम लिखा हुआ है तो उसको कैपिटल लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग सी एस एस यूज़ नहीं कर सकते तो मैनुअली करना पड़ेगा सब। कॉन्टैक्टर स्टाइल सर्विस था ना, ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर फॉन्ट टैग फेस साइज काम कर रहे हैं। ये ब्लैक आएगा इस तरह से, अगर आप साथ ही साथ इसको बोल्ड भी करना चाहें, अगर ये कीवर्ड नहीं है तो बोल्ड है, अगर कीवर्ड है तो स्ट्रॉन्ग है। ऐसे आपको ऊपर लिंक भी हैंडल करना है, अंडरलाइन अभी हम लोग नहीं हटा सकते, बट तब पॉसिबल का जवाब सीख जाएगा अंडरलाइन को हटाना, ठीक है, सी एस एस के साथ।
अब इसके बाद ऊपर और नीचे में कुछ गैप ऐड करना है। तो ये फर्स्ट टेबल में हम लोगों ने ये वाला पार्ट बनाया। अब जो सेकंड टेबल आप बनाओगे उसके अंदर आपने बैनर कॉल करना है। टी आर ऑलरेडी हमारे पास टी डी, देन टी आर क्लोज, देन टेबल क्लोज। सो बैनर में
बैनर एरिया बनाएंगे, हाइट यहाँ से हम लोग इसका नहीं रखेंगे क्योंकि बैनर ऑटोमेटिकली एक्सपेंड करेगा हाइट को। ओके, तो यहाँ से हमने एक इमेज जो भी कॉल किया था हाल फिलहाल में, यस कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर, और इसका नेम चेक करें अपनी डायरेक्टरी में हमने क्या रखा है, बैनर, तो रिप्लेस विद बैनर, और ये ट्रांसपेरेंट नहीं है तो क्या लिखेंगे, JPG। सेव करेंगे और इसको ब्राउज़र में रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए हमारा बैनर कॉल हो गया इसका, है ना। बट देख रहे हो ये सब आपस चिपक के आ रहे हैं जिस तरह से, तो ये आप सेल स्पेसिंग की हेल्प से करें या फिर आगे चल के आप इसके अंदर एक बीच में कुछ ब्लैंक टेबल छोड़ें जिससे अभी के लिए पार्ट आपका हैंडल होगा, अभी तो ये नहीं कर पाओगे आप मैनेज। तो जैसे ऊपर वाला पार्ट है तो हमें इसको कैसे गैप दें, तो ट्रिक क्या है उसको ज़रा समझो। तो हमने ऊपर वाले टेबल की हाइट कितनी रखी थी, 120। तो आप ऊपर नीचे गैप रखना चाह रहे हो तो कितना कर दोगे, 100। और जब अपन रिफ्रेश करेंगे तो गैप बना, तो अभी हाइट में एक्स्ट्रा डाल दो क्योंकि जब तक CSS नहीं आ रहा है ना, तो गैप बन गया अपना। और इसका बॉर्डर हम लोग क्या कर देंगे नीचे वाले टेबल का बनाने का, 0। ये देखो परफेक्टली बन के तैयार हो गया। इसी तरह से फिर से हम इसकी एक कॉपी बनाएंगे, अगेन पेस्ट करेंगे, अब की बार अपन 3 कॉलम बनाएंगे। इस एक्सरसाइज के थ्रू आपको सिर्फ टेबल के साथ कंफर्टेबल करना हमारा मेन मोटिव है कि टेबल की अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हुआ आपकी। डिज़ाइनिंग तो खैर आपको नहीं करने के लिए मिलेगा। ये देखो बन गया हमारा 3 कॉलम, तो जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें 3 कॉलम हमने बनाने हैं इस तरह से। तो यहाँ पर ये 3 कॉलम्स इक्वल विड्थ में हैं और यहाँ जाके इसको आप डिफाइन कर लें, जैसे कि पहले अबाउट, तो यहाँ जाके हम लोग डिफाइन करेंगे, इसमें लिखा है H1 M% RARR About us, H1 close. फिर हमें एक HR डिफाइन करना है फॉर हॉरिजॉन्टल रूल, साइज 6, कलर इज ब्लैक। ट्राई करेंगे क्या ये दो चीजें हमने अचीव की इसके अंदर या नहीं, ठीक है। इसके अंदर आप यहां पर लिख सकते हैं फॉन्ट साइज, ठीक है। तो ये अगर हम लोग तीनों में पास कर लें, 3 इक्वल, इस तरह से आप इसको डिफाइन कर लेंगे। इसके बाद यहां पर हमें इसमें एक पैराग्राफ कॉल कर लेना, एरियल है 12 है और इसका कलर कोड अपन यहाँ से करेंगे कॉपी, या एक ही लाइन में चलेगा, कॉल हो गया मैटर। लग रहा फॉन्ट अप्लाई नहीं हुआ, क्या दिक्कत, हमने पी फेस कर दिया ना, दिक्कत ये है। यहाँ पे लिखो फॉन्ट, अब सही ना, फॉन्ट फेस और यहाँ पर क्लोज, और
हमने अपनी साइज कॉल कर रखा है, साइज को हटा दो। हमारा फॉन्ट तो साइज जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2, तो ये इस तरह से आ जाएगा। बाकी का मैटर जैसे हम तीनों पैराग्राफ में डाल देते हैं, हो गए तीनों बराबर। तो बीच वाले पार्ट में पैराग्राफ नहीं है, यहाँ पर क्या लिस्ट आइटम है, तो अपन इसको कर लेंगे कॉपी और यहाँ पर हम जाके डिफाइन करेंगे यूएल एंड एलआई। पूरे यूएल को फॉन्ट टैग में डाल दिया। सेट हो गया पार्ट। तो इस वाले मैटर में हाइट ज्यादा है और इसमें हाइट हमारी कम है, क्योंकि यहाँ पर तीन लिस्ट है। तो वर्टिकल अलाइन क्या लगाएंगे, टॉप तो सही हो जाएगा नहीं, तो क्या लिखेंगे रो के ऊपर, क्या लिखेंगे वी अलाइन। देखो मैटर टॉप आगे वाला। इसके बाद इनकी विड्थ में बराबर करनी है, तो जैसे 960 है टोटल, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो 320 आ गया। फिलहाल के लिए आप 320 की विड्थ डाल दो सब में। बराबर से अब इनके बीच में हमें स्पेस चाहिए, तो स्पेस के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसको एक्टिव कर दूं 10 10, तो गैप बनेगा बीच में, है ना, गैप क्रिएट हो रहा है इस तरह से। बट अभी ये गैप तो ले आओगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, इधर से भी आएगा, बट हमें तो सिर्फ बीच वाले पार्ट में चाहिए ना, तो उसके लिए आपको CSS का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी CSS टच नहीं करना चाह रहे थे, तो बाद में करेंगे CSS को छोड़ो। बट आपको पता चले ना स्पेसिंग का काम क्या होता है, सेल्स के बीच में गैप लाने के लिए। तो अभी के लिए बहुत माइनर सा रख लो, लाइक 2, ताकि लाइनें जुड़ी हुई ना दिखाई दे आपस में, मैं बॉर्डर कटाऊंगा ना, ये तो एक ही लाइन दिखाई देगी पूरी वो। अब लाइन अलग अलग आ रही है ना, ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है, और ये सेक्शन अलग है। इसके बाद तीनों का जो टाइटल है वो डिफरेंट जाएगा, ये अबाउट है, ये बेनिफिट वगैरह कुछ लिखा होगा शायद इसमें, और ये टेस्टिंग वगैरह। ये लीजिए, ये डन हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमें एक लिंक कॉल करना है, RARR राइट है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, रीड।
ठीक है, एरो का कलर हमें डिफरेंट रखना है, ठीक है, तो आप यहाँ से एरो को इससे वापस ले लोगे, तो एरो अपना अलग कलर में हो जाएगा। बाकी बोल्ड वगैरह करना हो तो बी टैग में, बीच में गैप रखना है, क्या लिखते हैं M% NBSP, ये पार्ट हो गया। अगेन यहां पर आपको गैप मेंटेन करना है। तो ये वाला पार्ट हमने ऑटो साइज में बनाया है, इसकी हाइट रख लें यहाँ पे, तो वर्टिकल लाइन टॉप लगने की वजह से ये ऊपर चिपक रहा है अभी, बट एक्चुअली हमारा गैप आ चुका है। तो अभी के लिए आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप यहाँ पर एक TRTT डिफाइन करें, देखो क्या बन गया बीच में इस तरह से, तो बना सकते हो ना टेबल के अंदर। तो इस टेम्पलेट को मैंने आपके फोल्डर में डाल दिया, आप इसको ट्राई करके देखें, ठीक है, कि आपसे कितना बनता है पार्ट। तो खाली टेबल की प्रैक्टिस करनी है, स्टाइल स्टाइल में जस्ट करके दिखा रहा हूँ, मेन चीज़ है स्ट्रक्चर को समझना कि कैसे काम करता है स्ट्रक्चर। तो आगे का पार्ट अगर आप नोटिस करेंगे तो फिर से टेबल बनेगा, 4 कॉलम बनेंगे, फिर टेबल बनेगा, 2 कॉलम बनेंगे, एक तरफ की ब्रिड ज़्यादा होगी 70%, दूसरी तरफ की 30%, फिर एक टेबल बनेगा जिसकी ब्रिड 100% होगी, फिर सेंटर पर टेबल बनेगा, फिर उसके 2 कॉलम बन जाएंगे राइट लेफ्ट, इस तरह से करके आपको उसको बना रहे हैं। ट्राई करके देखिए अगर बना पा रहे हैं आप इसमें या नहीं, तो ये डिज़ाइन पूरा करके देखिएगा, ठीक है।